तो डार्विन के बारे में हम लोग अपने टाइम में 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। और एक्चुअली जो है मैं साइंस की टीचर भी रही, तो मेरे सामने इस तरह के क्वेश्चन बहुत बच्चों के आते थे और उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती थी। और आज भी बच्चे के अंदर यही चीजें होती हैं बच्चों के अंदर कि हमको अब इवोल्यूशन क्यों नहीं दिखता है। तो उनको समझाना थोड़ी टेढ़ी की जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो उनको मैंने इस तरह से समझाया, बेटा तुम जब पैदा हुए हो तो 1 सेकंड की कोशिका से पैदा हुए, 1 सेकंड में गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, उसके बाद पूरा उसने लाइफ स्पेन जिया आपके मदर बॉम में, उसके बाद बाहर आप आए 9 मंथ के बाद, आपने एक जिंदगी पूरा एक फेज गुजारा स्टेप वाइज। उसके बाद उसमें मतलब जैसे शुरुआत में गैमेट का फ्यूजन हुआ, गैमेट के फ्यूजन के बाद जो है जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, जायगोट के फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन, उसके बाद आपका जो है सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन हुआ, उसके बाद आप बने हैं, उसके बाद आप 9 मंथ वॉर्म में रहे, उसके बाद जो है आप बाहर आते हो। तो मैंने उनसे ये पूछा, अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप कभी शर्ट जो पहनते हो वो कैसे बनती है? तो बोले कि हम दुकान पे जाते हैं और शर्ट ले आते हैं। मैंने कहा दुकान पे भी कैसे आई शर्ट? कहीं से कपड़ा आया होगा, कहीं से बटन आए होंगे, सिलाई उसकी स्टिच हुई होगी। तो मकान भी बनाना चाहते हो तो पहले जमीन खरीदोगे, यानी कि डायरेक्ट आप अगर किसी से बिल्डिंग खरीद रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन इवोल्यूशन का आप ऐसे समझो कि आपने एक प्लॉट खाली जमीन खरीदा है, उसके ऊपर बहुत सालों बाद आपका मन हुआ, आपके पैसे आए तो आपने एक कमरा बनाया तो उसका रूप रंग नक्शा बदल गया, उसके बाद आपके यहाँ थोड़े पैसे आए तो आपने जो है उस पर दूसरा भी कमरा बना लिया, थोड़े समय बाद आपने उसको जो है ऊपर टेरेस बना लिया, छत डाल दी, थोड़े समय बाद आपके यहाँ पैसा आया आपने दूसरी बिल्डिंग बना दी। तो जो आपने शुरू में पहले दिन जो जमीन खरीदी थी, इतने सालों में होते 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 क्रिएशन होते होते उसका नक्शा बदला नहीं बदला, यही तो इवोल्यूशन है, यही तो इवोल्यूशन है। तो इवोल्यूशन क्या जी है कि बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं वो मिलकर एक दूसरी स्पीशीज बनाते हैं या दूसरा कैरेक्टर बना लेते हैं। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन बच्चों के आते हैं, होते वो बच्चों जैसे हैं, लेकिन उनको अगर हमने बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया तो बच्चे जो है मिसगाइड हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है और वो फिर वही भगवान के शरणों में ही जाके वापस चले जाते हैं कि हाँ जो कुछ भी है चमत्कार है। तो मैं ये चाहती हूँ जो कुछ भी अगर कोई साइंस का क्वेश्चन पूछे तो उसको बहुत ही क्लियरली, बहुत ही प्यार से उसे समझाना चाहिए, पूरे फैक्ट के साथ समझाना चाहिए, कोई ऊपर नीचे की बात नहीं करनी चाहिए।